तो दोस्तों, गाय और भैंस को हीट मिलाने के इस उपाय में आपको सबसे पहले एक रोटी लेना है। रोटी थोड़ी बड़ी साइज़ की बना लेना है दोस्तों, ताकि इसमें सभी सामग्रियों को डालकर हम अपने पशुओं को दे सकें। और इसमें हमें सबसे पहले डालना है दोस्तों ये सरसों का तेल। सरसों का तेल जो है दोस्तों आपको प्योर वाला इस्तेमाल करना है। कच्ची घानी का सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है दोस्तों। तो इसे हमें इसमें अच्छे तरीके से लगाना है दोस्तों। और उसके बाद हमें लेना है एक लहसुन की साबुत कली। ये जो लहसुन होता है दोस्तों, इसमें एंटीबायोटिक गुण होते हैं, साथ में जो है दोस्तों इसकी तासीर भी गर्म होती है, जिसकी मदद से जो है हमारे पशुओं के गर्भाशय के इन्फेक्शन वगैरह जो हैं वो बहुत ही जल्दी ठीक भी हो जाते हैं, जिससे उनको हीट में आने में मदद मिलती है। तो इस लहसुन को हमें जो है दोस्तों कूट करके इसमें जो छिलके वगैरह हैं उसे पूरे तरीके से निकाल देना है, और इसमें से जितनी भी कलियाँ हैं वो हमें जो है इस्तेमाल करनी है दोस्तों इस उपाय में। तो आपको जो है दोस्तों एक बड़े साइज़ का लहसुन इस्तेमाल करना है, जिसमें कम से कम 10 से 12 कलियाँ हों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसे मैंने पूरे तरीके से छील लिया है, और उसके बाद इसे चाहे तो आप कूट करके चाहे ऐसी साबुत भी डाल सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको लेना है लगभग 5 से 6 छुहारे। छुहारा जो होता है दोस्तों, इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, जिससे हमारे जो गाय और भैंस होती है उसके हार्मोन जो है अच्छे तरीके से बैलेंस हो जाते हैं, और उनको जो है दोस्तों हीट में आने में मदद मिलती है। तो इसे जो है दोस्तों हमें कूट करके इसमें जो बीज है उसको निकाल देना होता है। चाहे तो आप जो है दोस्तों इसे अच्छे तरीके से कूट सकते हैं, या तो जो है इसकी जो है सिर्फ बीज को निकाल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है दोस्तों इसके बीज को निकाल देना है, और उसके बाद ये तैयार है दोस्तों। अब हम जो है इसे इस रोटी में डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें लेना है लगभग जो है 100 ग्राम के आसपास गुड़। गुड़ की तासीर जो है दोस्तों गर्म तो होती ही है, साथ में जो है दोस्तों ये हमारे पशुओं के पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है, और साथ में ये जो मिश्रण हमने बनाया है उसके ये स्वाद को भी बढ़ाएगा, जिससे हमारी जो गाय और भैंस है वो आसानी से इसे खा लेती है। तो उसके बाद दोस्तों इसे भी डाल देना है और उस तरीके से मोड़ देना है, ताकि हमें अपनी गाय और भैंस को इसे खिलाने में आसानी हो। और इसे जो है दोस्तों हमें अपनी गाय और भैंस को दिन में केवल एक बार देना है, और लगातार जो है दोस्तों आपको 6 से 7 दिनों तक देना है, जिससे आप देखेंगे कि आपकी जो गाय और भैंस है वो खुल करके हीट में आ जाएगी। तो यह जानकारी दोस्तों आज के इस वीडियो में। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और साथ में जो है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आने वाली ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे।